सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। विकाश भक्ताय विकाशिता देवे प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मत जगताखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्व त्वमेश्वरि देवि चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महेश्वरूपेण यतः स्थितासि अपांसरूपस्थितयातहेत आप्यायते कृष्णमलङ्गवीर्य त्वं वैष्णवीशक्तिरणङ्गवीर्य विश्वस्य बीजं परमासि माया समाहितं देवि समसमेत मे प्रसन्ना भूयमुक्तिहेतुः विद्या समस्तस्तव देविभेदः श्रिया समस्तः सकला जगस्व त्वयैकया पूजयमम्बयेत का ते स्तुतिस्तभ्य परा परोक्तिः सर्वभूतायदा देवि स्वर्गमुक्तिप्रदायणे त्वन्तुतासुतयेका भवन्तो परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हि संस्थिते स्वर्गापवर्गते देवि नारायणि नमोऽस्तु ते कलाकाशादिरूपेण परिणामप्रदायणे विश्वस्योपनतो शक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणि नमोऽस्तु ते श्रेष्ठे विनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाशये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यासि हरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते अन्तयुक्ताभिमानस्य ब्रह्माणि रूपधारिणे वाजं वाहकलिके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते दशोलचन्द्रायतरे महाविशोवाहिने माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तु ते मयूरकुक्कुरमृते महाशक्तिधरे लगे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते शङ्खचक्रगदाचारङ्गृहीत परमायुरे प्रसीदवैष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तु ते गृहीतोग्रमहाचक्रे दष्टोतिसमसुन्दरे वराहरूपिणे शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं यत्याङ्कितोद्यमे ये लोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु ते किरीटिणी महावर्षे सहस्रनयनाजले वृत्रप्राणहरे चन्द्रे नारायणि नमोऽस्तु ते शिवदूती स्वरूपेण अथ च महाबले
गौर रूपे महादेवे नारायणी नमस्ते दशाकरा लवदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मंदमदने नारायणी नमस्ते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये शक्ति पुष्टि सुदे धुवे महारथे महाविद्ये नारायणी नमस्ते मेधे सरस्वती वरे भूति भाव्रभिधामसे नियतम प्रसिदेशे नारायणी नमस्ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते द्वयरस्तारिणो देवी दुर्गे देवी नमस्ते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं भवतु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमस्ते ज्वालाकरालमत्योग्रम् अशेषासुरसोदनम् ऋजोलं वाकनो वीतिर्भद्रकाली नमस्ते हिनस्ति दत्तदेयांसि स्वरेणापूर्यराज सघण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नासुरानिव असुरासिंहसपङ्कचर्चितस्यैकरोजुल शिवाय भर्गो भवतु चण्डिके कामदावयम् रोगान शेषाय पहंसि दुष्टा दृष्टातु कामान सकलान विष्टान् कामाश्रितानां न विपन्नराणां कामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति एतान्यतान्यान् गजनां प्रयाध्य धर्मादृशान् देवि महासुराणां रूपेरनेकेन भवदात्मभवति त्वाम्बिकेतत्रकलादिकन्या विद्याशु शास्त्रेषु विवेकदीपे शास्त्रेषु वाक्येषु चकात्मधन्या भवार्थकर्तेऽपि महान्धकारे दिभ्रामयद्वे सरजीव विश्व रक्षासि यत्राग्रविशाश्च नागा यत्रारयोदस्य बलानि यत्र धावानलो यत्र ददाब्धि मध्ये तत्रास्ति दातं परिभाषि विश्वं विश्वेश्वरीकं परिभाषि विश्वं विश्वात्मिकाधारयसीति विश्वम् विश्वेशमन्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयाये वैभक्तिनम्रः देवी प्रसीद परिपालयनारभीत नित्यं यथा सर्वदा तदमेव सत्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमन्नयाच उत्पादपाकजनिताश्च महावसरिहान् प्रधानं प्रजेरतं देवि विश्वादिहारे वेलोक्यवासिनामिषे लोकानां वरदाभ दिव्यो वाच वरदाहं सर्गणा परं जन्मनशेषत अमृतं प्रयच्छामि जगतामवकारकम् देवावोचः सर्वाबाधा प्रशमनं चैलोक्यस्याभिलेषणे एवमेवाद्य आकार्यम् अश्वैरिविनाशनम् दिव्यो भाच देवस्वनन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतमे युगे शुम्भनिशुम्भसेवानाम् उत्पद्येते महासुर नन्दगोपगृहे जाता यशोधा गर्भसम्भव स्वामि विन्ध्याचरणवासने पुनरप्यधिरात्रेणादुपेण मृजभेतल अवतीर्याहरिष्यामि विप्रसिद्धासुदानव वक्षिरन्तासुदानुग्रां विप्रसिद्धान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति धारिमे कुसमापमा तुलानां देवतः स्वर्गे मध्यलोके च मानवा सुमन्दोलाहरिष्यन्ति सलभक्तधन्तिका भूयशाखलाश्रित्वा अनावृष्ट्या महावदे मुनेभिः संसुलाभोम सर्वमिष्यामधानिया
तदाशन नेत्रणिष्यामे सदाचे वरिष्यामि सुराशाकैराभिष्टेतानधारिणे शाकं भरीति विख्यातं दलायाश्रहं भवेत् तत्रैव रामयिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गा देवीति विख्यातं धन्वे नामभविष्यते पुरश्चाहं यदा देवरूपं कृत्वा हिमाचलेत् रक्षासेव क्षरिष्यामि मुनीनां प्राणकारिणात् तदा सर्वे सौशल्यानमूर्तया देवादेवेति विख्यातं धन्वे नामभविष्यते जलारुणाख्यस्य लोके महाबाधां करिष्यते तदाहं रामरं रूपं कृत्वा सर्वदा ये लोक्यस्य गाथाय वदिष्यामि महाधुरं रामनीते समां लोका सदा सौष्यन्ति सर्वदा यथा यदा यदा वादानभक्ता भविष्यते तदा तदा वजिर्याहं करिष्याम्यसंशया सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती स्तुति करते हैं। आरती के इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपके मनोकामना को आपके मनोरथ को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपका बुद्धि के लिए आपके उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी हैं सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं धन धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है धन लाभ होते ही उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है वह आरोग्यता को प्राप्त होते ही दीर्घायु को प्राप्त होते ही उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इसमें जगजन्य माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें आप सबका मंगल करें। ध्यान ॐ विद्युद्धाम समप्रभां देवपते सङ्गस्थितां वेशना कन्या मे करबालकेतविलसत्
हस्ताभिरा सेविता हस्ते शक्र शापंगनं करजने विभ्रानामनरात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ दिव्योवाच देवेशवेशमानित्यं शोचतेजः समाहितः त्वस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयम् मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनम् ईर्षयिष्यं त्रिजेतद्भर्वलं शुम्भणिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः शोषं त्रिजे भजे भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् नादेशां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोऽथ न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टविजोजनम् शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रानरतो योगाचराजस्वं भविष्यति तस्मामवेतं महात्म्यं भवेदभ्यं समाहिले श्रोतभ्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्तनिवाहित उपदर्घानशेषांशो महामारी समर्थवा तदा त्रिवृतमुत्पाद महात्म्यं शमये नमः यत्र तद्वक्षते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्षामि सा नित्यं तत्र मे सदा बले प्रधाने पूजायाम् अग्निकाले महोत्सवे सर्वमये तच्चरितम् उच्चायं श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बले पूजां तथा कृताम् श्याम प्रीत्या भगिनी होमं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते च वाचके कस्यामवेदं महात्म्यं श्रुत्वा भक्ते समन्वितः सर्वाबाधाभिर्मुक्तो धनधान्यासुदाशितः मनश्रमत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वामवेदं महात्म्यं तदा जोत्पत्त्या शिवा पराक्रमं च युक्तेषु जायते निर्वरः पुमान् निर्वहासङ्ख्यते कल्याणं च उपबध्यते नन्दनेन कुलं पुंसमाहात्म्यमवशृणुता शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने गृहपीडासु दुग्रासु माहात्म्यं श्रूयान्नव दुर्सर्गः समञ्जन्ति गृहपीडासु दारुणा दुःस्वप्नं च निवसृष्टं सुस्वप्नमनुजायते बालग्रहादिभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्घानभेद चलेनां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानामशेषाणां वरहानिकरं परम् रक्षाभूतविशाचानां पठनादेवनाशनम् सर्वमेतं महात्म मम सन्निविकारकम् वशुपुष्पार्घदोपेश गन्धदेवेश सत्तमे विप्राणा भोजने होमे प्रोक्षणेयर्हायशम् अन्ये च विविधर्भोगे प्रदाने मत्तरेण यीर्णे क्रियते सस्मिन् सज्जे सोचन्ये सुते शतमहति पापाणि च सारोग्यं प्रयाशते रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां केचन मम युद्धे ज्योतिर्धैर्ये दुर्चदैत्यनिवारणम् तस्मै श्रुते भयलिङ्कृतं भयं पुंसं जायते युष्माभिस्तराजाश्च जाश्च ब्रह्मा शुभेङ्कृता ब्रह्मणा च कृतास्तासो भयशङ्गिलुभामरे वरणे ब्रान्तरे वापि धावान्ये परिवारितः दशभिर्वामृताशून्ये गृहीतोपापि शत्रुवे सिंहव्याघ्राणुयातो वा वने वामनहस्तिभिः राज्ञा प्रत्येन चायत्व मध्यबन्धगतोऽपि वा आठोर्णितो वा भातेन चिदा भूते महानवे परशोजापि शस्येषु सङ्ग्रामे विषधारुणे सर्वभाषासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा समन्वये सचरितं नरमुच्चेद सङ्गणात् मामप्रभावा सिंहाजादस्युभोपैरिणस्तदा दूरादेव पदायन्ते स्मरतश्चरितमव ऋषिवाच इत्युक्त्वा स भगवती चण्डिका चण्डविक्रम
पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत देवि देवानिरातङ्कः स्वाधिकारान्यथा पुरा यज्ञभागवया सर्वे चक्रविहृताय यत्याशरभ्यानिहते शुम्भे देवविभायते यगद्विध्वंसनेतस्मै महोग्रे कुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषः पातालमायः एवं भगवति दिलिसा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् तये धर्मो यते विश्वम् चैव विश्वम् प्रसूयते स्वाजाचिता च विज्ञानम् तुष्टादित्यम् प्रयच्छते व्यासम् तये तत्सकलम् ब्रह्माण्डम् मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारे स्वरूपया एव काले महामारे क्षेम सृष्टिर्भवत्यया स्थितिम् करोति भूतानाम् क्षेमकाले सनातने भवकाले निणाम् सेवा लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदाने सेवा भावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते सुता सम्बोधिता पुष्टे धूपगन्धा निवेशत जरातिमित्तम् पुत्रा च मतिम् धर्मे गतिम् शुभा अक्षतकुञ्जिका स्तोत्र शिववाच शृणो देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमत्तम येन मन्त्र प्रभावेण चण्डे जापः शुभो भवेत् नागवचम् न कला स्तोत्रम् कीलकम् न रहस्यकम् न सुक्तम् नापि ध्यानम् च धान्यसौनुशभाषणम् कुञ्जिकापारमात्रेण दुर्गापादभवेत् अतिभूयतरम् देवे देवानाम विदुर्लभम् ओपनीयम् प्रयत्नेन स्वयो नैरवमानवे मारणवाहनवशम् सम्पनौचादनादिकम् वारमात्रेण संसृत्य कुञ्जकाश्चोत्रमोत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्छे ॐ ग्लौं ह्रौं क्लीं जों सः ज्वालय ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्छे ज्वलहन्तर्लङ्कपर्स्वाः नमस्ते रुद्ररूपिण्य नमस्ते मधुमर्दने नमः कैटवहारिण्य नमस्ते मल्लिकार्जुने नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातने जागृतमे महादेवे जपं चित्तं करुष्यमे ऐङ्कारे सृष्टिरूपाय ऐङ्कारे प्रतिपालिका ऐङ्कारे कामरूपिण्य बीजरूपे नमस्ते चामुण्डाचण्डघाते च जैकारे वरदायणे नित्य च वयदा नित्यम् नमस्ते मन्त्ररूपिणे ॐ ह्रीं धूं धूर्यमे पतने भां ह्रीं भूं भागधीश्वरे ह्रां क्लीं क्रों कालिका देवे श्रां श्रीं श्रों मे शुभङ्करो हं हं हङ्काररूपिण्य यं 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 संभाजने ह्रां ह्रीं ह्रौं नलविवत् भवाने ते नमो नमः अङ्कम् चं तं 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 यं षं भीं ढुं ह्रें भीं हं षं द्विजाग्रं द्विजाग्रं रोडय रोडय एतं गुरु कुरु स्वाहा ह्रां भीं भुं वारदे पूर्णा ह्रां क्लीं भुं केसरे तदा ह्रां क्लीं सौं सप्तशति देव्या मन्त्रसिद्धिं परुषमे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रम् मन्त्रजागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यम् गोपितं रक्ष पार्वती व्यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सस्तु यदि पडे न तस्य जायते सिद्धि अरण्ये रोदनं यथा अथ दुर्गाय तद्धारास्तकम् नमस्ते चरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणी त्रयी दुर्गे नमस्ते जगत्ते
Thank you.
Yeah.
मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप श्री भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से मां से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। बंधु भक्तजन साधक जन, अपने दुखों को दूर करने के लिए, सुखों की प्राप्ति के लिए, अपनी मनोवलक्षित कामना को पूर्ण करने के लिए इस माँ जगजननी जगत माता के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत माँ से प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। जब माँ भगवती जब प्रसन्न होती है तो जगत का वध होता है, जगत का कल्याण होता है। ये सब मनोरथ को पूर्ण करती हैं, सुख शांति सुख समृद्धि को देती हैं और सब ओर से भक्तों का कल्याण करती हैं। और इसके भाव में जब जब कुपित हो जाती है, रुष्ट हो जाती है, तो न जाने कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती है। इसलिए भक्तजन माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए, माँ को रिझाने के लिए श्रद्धा होकर के इस माँ भगवती जगजन्य के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि माँ प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जानने अनजानने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों का क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना, सर्वदा हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, अपने चरणों के अविचल भक्ति प्रदान करना, सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना। हे देवी, हे माँ वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से शत शत प्रणाम। बोलो सच्चे दरबार की। सर्वस्य बुद्धि रूपेण जन श्रेधि संसते स्वर्गप वर्गते देवी नारायणी नमस्ते। कि हे माँ भगवती, बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष को प्रदान करने वाले हे नारायणी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार है। सर्व मंगल मांगल्य शिव सर्वार्थसाधि के शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। हे नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाले मंगलमय हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषोत्सव करने वाले शरण वत्सला तीन नेत्रों वाले एवं घोरी हो।
हे नारायणी आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार है। क्या आप सर्वत्र जो सबका मंगल करने वाली हैं? हे माँ हम पर आपकी कृपा हुई ही, आपने हमें अपने दरबार में अपने चरण में बुलाया है। हे माँ इसी तरह से हम भक्तों अपने दरबार में बुलाती रहना, हमें अपना आशीर्वाद देती रहना और आपके आशीर्वाद से हम भक्तों के सभी कष्ट सभी दुख दूर हों और हम सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त हों, ऐसी हम पर कृपा करना। श्रेष्ठ श्री विनाशा नाम शक्तिभूत स्नातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्ते। हे माँ आप सृष्टि पालन और संहार की श्रीभूता सनातनी देवी गुणों का आधार तथा सर्व गुणमय जो है ये देवी हो। हे माँ आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार है। यही भक्ति है ये सृष्टि का कारण है, जय सृष्टि करती है, जय पालन करने वाली है और जय संहार करने वाली है। सृष्टि काल में जय भगवती ब्रह्मा का रूप धारण करती है, पालन काल में जय विष्णु का रूप धारण कर लेती है और संहार काल में जय रुद्र का रूप धारण कर लेती है। ये सर्व गुणमयी है, सब गुणों से युक्त है और सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है और इस प्रकार से इसी देवी से ही सभी देवगण जो है इस शक्ति उपासना कर करके शक्ति संपन्न होते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। उस शक्ति स्वरूपा माँ भगवती के चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से बार बार नमस्कार है। जो माँ भगवती आदि शक्ति इस चरचर संसार में जो है मंगलमय शक्ति रूप में भाषित हो रही है, वह भगवती आदि शक्ति हम सब भक्तों का हम शरणद भक्तों का कल्याण करें, हम सबका मंगल करें, हमें शक्ति प्रदान करें और सर्वत्र हम भक्तों की रक्षा करें, हम भक्तों के भय को दूर कर करके हम भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करें, हम भक्तों के कष्टों को दुखों को दूर करके सर्वत्र हम भक्तों का मंगल मंगल करें। उस माँ भगवती जगजननी आदि शक्ति के चरणों में हम सब भक्तों का बार बार नमस्कार। बोलो सच्चे द्रवाद की जय। तो जय माँ दुर्गा जो है दुर्गा दुर्गति नाशिनी जो दुखों का नाश करने वाली है और सुखों को देने वाली है। जो भक्तजन जो है इस माँ भगवती के शरणक धोकर के भगवती की आराधना करते हैं, प्रातःकाल सायंकाल दोनों से माँ की जोत जगाते हैं, माँ की आरती करते हैं, पूरे परिवार एकत्रित होकर के और माँ से प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, प्रतिदिन निज पूर्वक माँ के चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उन शरणद भक्तों पर उस ग्रस्त पर जो है इस देवी की सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है और उस ग्रस्त में जो माँ भगवती जो है लक्ष्मी के विराजमान होकर के अवधि को देती हैं, उन्नति को देती हैं, सुख देती हैं, शांति देती हैं और सर्वत्र जो है मंगल मंगल करती हैं। इसलिए कल्याण के मनुष्य को चाहिए जो भी अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें सदा सर्वदा इस कल्याणमय देवी की पूजा माँ की आराधना माँ की अर्चना जो है ये अवश्य करनी चाहिए। सच्चे दरबार की जय। जयकार माँ वैष्णो देवी दाय। सच्चे दरबार की जय। कहते हैं कि एक बार श्रीमद् भागवत की जो कथा है कि महर्षि व्यास जी सरस्वती तट के किनारे विराजमान थे, उनका आश्रम था और वहीं जो है बस साधना किया करते थे। व्यास जी अब सभी जानते हैं कि इतने विद्वान हैं त्रिकालदर्शी और वहां बैठे बैठे जो था उनका मन जो था उदास हो गया। ऐसा नहीं है कि मानव जो है उनकी के जीवन में दुख है कष्ट है विपत्ति है, ऋषि मुनियों में संतों में उनमें भी कष्ट आते विपत्ति आती है, देवताओं के जीवन में भी विपत्ति आती है कष्ट आते हैं, जहाँ तक अवतार जो है उनके जीवन में कष्ट विपत्ति आते हैं। अब जानते हैं कि भगवान श्री राम जब त्रेता युग में धरातल पर आए तो उनके जीवन में कितने कष्ट आए, माँ सीता शक्ति का अवतार थे इस सृष्टि पर आई और उन्हें भी कष्ट भोगना पड़े, भगवान कृष्ण जो है उनके जीवन में कष्ट आए हैं परंतु कभी भयभीत नहीं हुए। इस प्रकार से जो भी संसार में सृष्टि में आता है पृथ्वी पर आता है उसको कष्टों का सामना करना ही पड़ता है। तो किसी प्रकार विपत्ति आए सबका जो कष्ट आते विपत्ति आती है तो बड़े बड़े संत महात्मा भी दैविक कष्ट में आ जाते हैं, बैठे हुए हैं त्रिकालदर्शी ऐसे संत जो है जिन्हें चारों वेदों को जो ज्ञाता है ऐसे
तपस्वी ऋषि व्यास जी जो है वह भी उनको भी शोक होगा, दुख में आके ऐसे परेशान हो गए क्या करूं। हुआ क्या, आश्रम बैठे थे बड़ी शांतिपूर्वक, उनके दृष्टि जो है कहते हैं कि सामने आश्रम के सामने वृक्ष था, उसके ऊपर दो गोरैया पक्षी बैठे हुए थे और दोनों पक्षी जो है वही उनका एक छोटा सा बच्चा जो है अभी भी उसका जो जन्म हुआ है, और वह दोनों पति पत्नी जो है वह गोरैया पक्षी जो थे अपने बच्चे से बड़ा स्नेह कर रहे थे, प्रेम कर रहे थे, और बारी बारी में बार बार जाते हैं उड़ करके उस बच्चे के पालन पोषण के लिए। वह अन्न का दाना जो है अपनी चोंच में भर करके लाते हैं और आकर बच्चे की चोंच में डालते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं और उससे क्रीड़ा करते खेलते हैं। ये सब देख करके जो है ऋषि के मन में हुआ कि ये पक्षी होकर के ये अपनी संतान से इतना स्नेह करते हैं, फिर मनुष्य यदि संतान से स्नेह करे तो इसमें क्या आश्चर्य। पक्षी जो है इनका बच्चा जो होता है जैसे पंख लगते उड़ करके चला जाता है, और इनको कोई स्वार्थ भी नहीं कि बुढ़ापा होगा तो पक्षी का बच्चा उसकी सहायता करेगा, ऐसा नहीं होता। मनुष्य ही एक ऐसा है जिसके जीवन जो है परिवार में जो है एक दूसरे की जो सहायता करता है, तो इससे स्वार्थ होता है कि मनुष्य का परिवार उसके बच्चे जो है उसको जी अभिलाषा रहती है बुढ़ापे में जी मेरा सहारा बनेंगे, मेरी सहायता करेंगे, मेरे कष्टों के दिनों में जो है ये मेरा उस कष्टों का निवारण करेंगे। अब जो है उसके मन में एक एक विचार आ गया, जब तक कि इतनी अवस्था हो गई है कई विचार आया नहीं। आज विचार आया है कि संतान का होना पुत्र का होना बड़ा अनिवार्य है, संतान के बिना सदगति नहीं प्राप्त होती है, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए संतान का होना अनिवार्य है। मेरे घर में संतान कैसे हो, अब इच्छा होगी कि मुझे भी पुत्र हो, अब पुत्र हो कैसे, ऐसा सोचते हुए जो है अब इतने शोक में आ गए, दुखी हो गए और विचार कर रहे हैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, कौन मेरा मार्गदर्शन करे, पुत्र होना अनिवार्य है। अब ऐसा स्नेह जागया, अब जो है आश्रम से उठे और मंद्राचल पर्वत की ओर जो प्रस्थान किया, चल पड़े आश्रम से। जब मंद्राचल पर्वत के पास पहुंचे तो फिर विचार आया, मैं किस देव की आराधना करूं, ब्रह्मा की, विष्णु की, शिव की, अग्निदेव की, इंद्र की, किस देवता की, गणेश की, किस देवता की मैं पूजा करूं, आराधना करूं, तप करूं जो मेरी मनोवृषित कामना को पूर्ण कर सके, मेरा कार्य सिद्ध हो सके, मुझे सुख मिल सके, मेरे कष्ट जो है मुझ पर जो विपत्ति आई है, जो कष्ट आया है, जो मन मेरा अशांत हुआ है, मुझे शांति मिले, कैसे मेरा कष्ट दूर हो सकता है। आप वहां पर रहे विचार जैसे ही करने लगे, कहते हैं उसी समय जो है सामने से देव ऋषि से हाथ में वीणा लिए हुए वह नारायण नारायण जपते हुए भगवान के नाम का जप करते हुए उसके सामने आप पहुंचे। बोलो सच्चे दरबार की जय। कहते हैं देव जिसका कल्याण करना चाहते हैं तो उसके जीवन के संत को भेज देते हैं। ध्रुव घर से निकला तो देव ऋषि नारद जी उनको मिल गए। इसी प्रकार से जो है जब देव कल्याण करना चाहते हैं, भगवती कल्याण करना चाहती है, तो इस प्रकार कोई सदगुरु, कोई सदज्ञानी मिल जाता है, कोई ऐसा संत मिल जाता है, ऐसा कोई सत्संग प्राप्त हो जाता है जिससे मनुष्य का जीवन ही बदल जाता है, उसको रास्ता मिल जाता है। देव श्री नारद जी को देख करके व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए, संत दर्शन हुए, अब मेरा कल्याण निश्चित है, मेरा शोक जब दूर होगा। कहते हैं जैसे ही देव ऋषि सामने पहुंचते हैं बड़े प्रसन्न हुए, उनका स्वागत किया, आसन दिया, बिठाया और यथा योग्य वहां पर जो है जो सामग्री पूजा की मिली, ऋषि के चरण धोए, उनका पूजन किया है, बैठे सकुशल पूछे। उसके उपरांत देव ऋषि नारद जी कहने लगे, हे वेदव्यास जी, आपके मुखमंडल को देख करके ऐसा लगता है कि आप बड़े चिंतित हैं, अपनी चिंता का कारण बतलाओ। आप इतने विद्वान हैं, इतने ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, त्रिकालज्ञ तीनों कालों की बातों को जानने वाले, फिर आपको किस बात की चिंता है, आप चिंतित लग रहे हैं, अपनी चिंता का कारण बताओ। तो
तब जिन्हें वेद व्यास कहते हैं महाराज मैं इसलिए चिंतित हूं, मैं संतान चाहता हूं, संतान सुख चाहता हूं, सारी घटना बतलाई और मेरे मन में जो जिज्ञासा हुई है अब जो है जहां करके मैं जी निर्णय नहीं कर पा रहा मैं किसकी पूजा करूं, किसकी आराधना करूं, कौन देवता है जो मेरी मनोकामना को पूर्ण करे, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, गणेश है, इंद्र है, वरुण है, कौन देव है जिसकी पूजा करने से मेरे जो मन की कामना, मेरा मन शांत हो सके, मेरा मनोरथ पूर्ण हो सके, ऐसा कोई देव हो जिसके शरणागत होकर मैं आराधना करूं, तप करूं और अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। तब जो देवशी नारी ने कहा कि वेद व्यास जी जी जो प्रश्न आपने मुझसे किया है यही प्रश्न जो है एक और मैंने अपने पितामह ब्रह्मा से किया था, किस देवता की आराधना करनी चाहिए, तो यही प्रश्न मैंने उनसे किया था, हुआ क्या मैं अपनी घटना आपको बतलाता हूं और ध्यान से सुनो। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं वेद व्यास जी से कि एक बार मैं भ्रमण करता करता जो है ब्रह्मलोक में जा पहुंचा और ब्रह्मलोक में जाकर के जब ब्रह्मा के मुझे दर्शन हुए वहां पर ब्रह्मा के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो सृष्टि के रचयिता है, सृष्टि की रचना करने वाले हैं, वह किसका ध्यान कर रहे हैं, उससे बड़ा कौन है। जब मेरे मन में जिज्ञासा हुई ऐसा कौन बड़ा देवता है ब्रह्मा से भी ऊपर जो है जो सृष्टि रचयिता है, सृष्टि करने वाले है, उससे बड़ा कौन देव है। तब जो है मैंने प्रश्न किया पितामह से कि महाराज आप सृष्टि रचयिता है, आप जहां बैठे ध्यान कर रहे हैं किसका ध्यान कर रहे हैं, आपसे बड़ा कौन देवता है। तब जो है ब्रह्मा ने कहा कि बेटा ध्यान से सुन, जो उस समय पितामह ब्रह्मा ने मुझसे बतलाया वही बात मैं व्यास जी आपको बतला रहा हूं कि वह कहने लगे कि ये प्रश्न जो है जो आपने बेटा मुझसे किए है यही प्रश्न जो था मैंने भगवान विष्णु से किया था। उस समय जो मेरा संवाद हुआ भगवान विष्णु के साथ वो बतलाता हूं कि मैं विष्णु लोग विष्णु के पास गया तो वहां देखा भगवान विष्णु ध्यान में बैठे हुए हैं, समाधि लगाए बैठे हैं और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ और उनकी कृपा से मैं सृष्टि रचयिता हुआ, सृष्टि करने के काबिल हो गया और मैंने सृष्टि की रचना की इनकी आज्ञा से। और जी भगवान विष्णु जो जहां ध्यान बैठे हुए हैं ध्यान करें किस देवता का ध्यान करते हैं, इनसे बड़ा कौन है, यही प्रश्न मैंने किया था। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान विष्णु जो ध्यान से जगे तो मैंने उनसे जब प्रश्न किया तो कहने लगे ब्रह्मा आपको सभी जो है चाहे वह मानव हैं, देवता हैं, गंधर्व हैं, यक्ष हैं, किन्नर हैं, सभी जो हैं यही जानते हैं कि आप जो हैं सृष्टि का सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, मैं सृष्टि का पालन करता हूं, भगवान शिव जो हैं वह संहार लीला करते हैं, हम तीनों का ये कार्य है और सब यही जानते हैं हम तीनों जो हैं आप सृष्टि करते मैं पालन करता हूं, भगवान शिव जो हैं ये संहार का कार्य करते हैं, परंतु हे ब्रह्मदेव ये कार्य करने की हमें शक्ति जो है ये कहां से मिली। शास्त्र ये कहता है और शास्त्र जानने वाला जो ऋषि मुनि जी है उन्होंने ये कहा है ये शक्ति जो कहां से प्राप्त हुई ब्रह्मा को विष्णु को शिव को जो है वो शक्ति जो है उस भगवती आदि शक्ति से प्राप्त हुई है, मैं उसी भगवती आदि शक्ति की आराधना करता हूं, उसी का तप करता हूं, उसी के नाम का जप करता हूं, इसलिए मैं उस भगवती आदि शक्ति की आराधना करता हूं, तप करता हूं, उसी के नाम का जप करता हूं, देवताओं के साथ युद्ध करता हूं, फिर समय मिलता है कभी लक्ष्मी के साथ बैठता हूं या फिर ध्यान में रहता हूं, ये शक्ति उसी की हमें प्राप्त हुई है और उसी की इच्छा से प्रलय काल में उस भगवती आदि शक्ति के अधीन होकर के जो है मैं शेष नाग की सज्जा पर सो जाता हूं। जब सृष्टि का समय आता है सृष्टि काल का समय आता है तो उसी की कृपा से ही फिर जगता हूं,
फिर सृष्टि का प्रारंभ होता है। इसलिए वही आदि शक्ति है जिसकी शक्तियां संपन्न होकर के ये सृष्टि का कार्य करने में समर्थ होते हैं। उस शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी नारद जी कहते हैं कि माँ भगवती आदि शक्ति जो है सर्वपूज्य है, सर्वमान्य है, और माँ भगवती आदि शक्ति की जिन पर कृपा हो जाती है उनकी समस्त मनोवलक्षित कामना जो है वह पूर्ण हो जाती है। ये कथा जो है देवी नारद जी ये वेद व्यास को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि इसलिए उस समय ब्रह्मा ने मुझसे ये कहा था कि माँ भगवती आदि शक्ति की उपासना जो है देवी नारी शक्ति के उपासक है। इसलिए आप जो है माँ भगवती के शरणक धोकर के माँ भगवती की उपासना करें, उसी कृपा से उसके आशीर्वाद से ही जो है आप जी की मनोवशत कामना जो है पूर्ण हो सकती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो नारद का उपदेश जो है वेद व्यास ने इसी भगवती की आराधना की थी तब किया था, जो कि इनके जो है जहाँ पर जो है अरण्य मंथन करते हुए जो है अजोने जो है सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ था। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय कराए शरणवालिदा। बोलो सच्चे दरबार की जय। तसली कल्याण का अपना सुख चाहिए, जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं, इस माँ भगवती आदि शक्ति की पूजा माँ की आराधना जो सद्या फलदायी है, इसके शरणक धोकर के जो भक्तजन जो है भगवती की आराधना करते हैं, माँ के नाम का जप करते हैं, माँ के दरबार में आकर के इस गुहा के अंदर माँ जगजन्य जगत माता के इस देवी पिंडी गुरु में दर्शन करते हैं, माँ के आशीर्वाद से माँ की कृपा से उन भक्तों के सब कार्य जो है वह सिद्ध होते हैं, उनके सभी दुख जो है वह दूर होते हैं और उन्हें सुखों की प्राप्ति होती है। माँ भगवती आदि शक्ति इस गुहा के अंदर तीन दिव्य पिंडिक रूप विराजमान हैं, माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महा सरस्वती, जिनके दर्शनों के लिए, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जिनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप सभी भक्त जन जो है माँ के दरबार में आकर के इस गुफा के अंदर इन देव पिंडों के सामने नतमस्त होते हैं, इन तीनों माताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिस आशीर्वाद से उन भक्तों के सब कार्य जो है वह सिद्ध होते हैं। ये भगवती आदि शक्ति जो है ये मूल जड़ से इसकी एक ही पिंडी है, जो 5.5 फुट की पिंडी है, चरण चरण गंगा बहती है, ऊपर आकर तीन शक्ति बन गए, तीन स्वरूप हो गए हैं और उन तीनों महाशक्तियों के दर्शन है वह पिंडी के रूप में है, महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महा सरस्वती। ये माता महाकाली जो है ये शरण भक्तों को शक्ति का वरदान देती हैं, शत्रु का नाश करती है, रोगों से मुक्ति देती हैं, निरोगी जीवन देती हैं, देश विदेश में अंग संग रक्षा करती हैं, शत्रु पर विजय दिलाती हैं। ये माँ काली के आशीर्वाद से इस प्रकार से वह साधक जो है सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। माता महालक्ष्मी महावैष्णवी जो है ये शरण भक्तों को धन लक्ष्य का वरदान देती हैं, कारोबार वृद्धि करती हैं, सर्वत्र भक्तों का जो मंगले मंगल करती हैं। और फिर माता महा सरस्वती जो शरण भक्तों को विद्या बुद्धि का वरदान देती हैं, ज्ञान देती हैं, विवेक देती हैं। इस प्रकार से इन तीनों देवियों की कृपा से ही मनुष्य जो है सब ओर से समस्त सुखों को प्राप्त होता है। निरोगी काया रोगों से भगवती का उपासक जो है रोगों से मुक्त रहता है, निरोगी काया प्राप्त होती है, धन लक्ष्य की कृपा प्राप्त होती है, माँ सरस्वती का वरदान प्राप्त होते हैं, अर्थात शरीर शक्ति, ये क्रिया शक्ति, धन शक्ति और ज्ञान शक्ति, ये तीन शक्तियां ऐसी हैं जिसके जीवन जो तीनों शक्ति हैं, अर्थात शरीर से तंदुरुस्त है, निरोगी है और धन शक्ति से संपन्न है और माँ सरस्वती की कृपा आशीर्वाद है, अर्थात ज्ञानवान है, तो उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आती, कभी कोई कष्ट नहीं आते हैं, कभी दुख नहीं आते हैं, क्योंकि ये तीन शक्ति जो है जिसके पास है, ये तीनों दीवों की जिन पर कृपा रहती है और तीनों शक्ति जो है जिसके जीवन में है उसके जीवन किसी प्रकार की कभी हो नहीं सकती, और अपने जीवन काल में जो है वह सुखों का भोग करता हुआ और उसकी समस्त मनोवलक्षित कामना पूर्ण होती है, अपने मनोवलक्षित कामना को पूर्ण करता हुआ अंत में उसका परलोक भी कल्याण हो जाता है। तो आप सभी जो है माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। जब मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है, इस मंत्र के द्वारा जो भक्तजन माँ की साधना करते हैं और माँ के दरबार में आकर के इस पिंडी के रूप में माँ के दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उन भक्तों का इन तीनों देवियों की पूर्ण कृपा बनी रहती है। तो आज जो है नौमी तिथि है,
माघ शुक्ल पक्ष की नवमी जो ही इस समय गुप्त नवरात्र चल रहे हैं और गुप्त नवरात्र की आज नवमी तिथि आज अंतिम नवरात्र है। बड़ा ही एक उत्तम दिन है जो गुप्त नवरात्र का जो है और नौमा स्वरूप माँ भगवती का सिद्धिदात्री का है अर्थात जो भक्तों के मनोरथों को सिद्ध करती है। नवमी के दिन जो अष्टमी नवमी चतुर्दशी भगवती जो विशेष दिन होते हैं नवमी के दिन माँ के चरण में बैठ करके आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुए इस जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का। तो माँ की ये विशेष कृपा भक्तों पर आप सब इस मंत्र का पाठ करें। ये मंत्र नवान मंत्र है जिसके नौ अक्षर हैं और नौ अक्षर से ऊपर कोई अक्षर है ही नहीं। नौ जो नौ की संख्या से ऊपर कोई जो है संख्या नहीं है। तो इसलिए ये नौ अक्षर का मंत्र जो है ये परम शक्तिशाली मंत्र है और साक्षात माँ भगवती के जी स्वरूप है। इस मंत्र को अपने हृदय में ध्यान कर करके जो भक्तजन भगवती की साधना करते हैं मंत्र का जप करते हैं उन पर तीनों देवियों की पूर्ण कृपा होती है। सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे अभी भजन के वेला निवेदन करा श्री सूर्य जी से माँ के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त संकीर्तन सहयोग देना सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए जय आरती की वेला है और भक्त जन अपने जो है भाव जो है माँ के सामने प्रकट करते हैं कि भगवती प्रसन्न हो जाएं और इसका आशीर्वाद हमें मिल जाएं और हमारे सब कार्य सिद्ध हो जाएं। तो सभी संकीर्तन में सहयोग देना सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए श्री सूर्य जी जय कर सच्चे दरबार मेरी माँ जगदम्बे मन जाए अस जग नु मना के कीना मेरी मां जगदम्बे मन जाए अस जग नु मना के कीना मेरी मां जगदम्बे मन जाए अस जग नु मना के कीना मेरी मां जगदम्बे मन जाए अस जग नु मैया बस जाए अस जग नु बसा के कीना मैया बस जाए अस जग नु बसा के कीना ताली सर हाथ खोल लगे गले ताली नहीं ताली के बाद महंत दरबार तक पहुंचे एक बार सभी भक्त जाए अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिरी दीजिए। हाथ से ऊपर माँ भगवती आप भक्तों के हाजिरी स्वीकार करें आपके झोलिए भरे आपके मराठे पूरी करें आपका जीवन खुशी से भरता रहे। जगदम्बे दे द्वार जेड़ा भुल के भी गुवरिया जाता मेरी माँ जगदम्बे दे द्वार जेड़ा भुल के गुवरिया जाता ओदे गम मिट जांदे ने सारे ओ जग विच सब कुछ पा जाता ओ जग विच सब कुछ पा जाता जेरा दिल च बसा के मैया मां दे प्रेम की जोत जगा लेंदा जेरा दिल च बसा के मैया प्रेम की जोत जगा लेंदा रखे मस्ती बिच दिन रात सदा दुनिया तो किनारा पा लेंदा दुनिया तो किनारा पा लेंदा ओ मेरी माँ
जगदंबे मन जाए असा जगनो मना के वीर मेरे मन बिच मैया मत जाए असा जगनो बता के वीर बस जाए अदा जगनू बजा के सारे जग दिया खुशियां एक पास मेरी मां दा द्वारा एक पास सारे जग दिया खुशियां एक पास मेरी मां दा द्वारा एक पास दुनिया दे नजारे एक पास मेरी मां दा नजारा एक पास मेरी मां दा नजारा एक पास मेरी मां दा नजारा एक पास हो सारे जग दा चानन एक पास ज्योति उजियारा एक पास सारे जग दा चानन एक पास ज्योति लख गहरे समुंदर एक पास मेरे दिल का किनारा एक पास मेरे दिल का किनारा एक पास मेरे दिल का किनारा एक पास हो मेरी माँ जगदम्बे मन जाए असा जगनु मना के माँ जगदम्बे मन जाए मेरे मन बिच मैया मत जाए असा जगनो बसा के दिल मेरे मन मैया बस जाए असा जगनो बसा के दिल ए सिर है अमानत मैया दी थां थां ते चुकाया नहीं जोदा ए सिर है अमानत मैया दी लगाया नहीं जाना लगाया नहीं जाना लगाया नहीं जाना असी कीते काल निभावांगे असी नदियां चीर के आवांगे असी कीते काल निभावांगे असी नदियां चीर के आवांगे अपनी मानु मनावांगे सतो जगत मनाया नहीं जाना सतो जगत मनाया नहीं जाना सतो जगत मनाया नहीं जाना मेरी माँ जगदम्बे मन जाए असा जगनो मना के दीना मेरी माँ जगदम्बे मन जाए असा जगनो बिच मैया मत जाए असा जगनो बसा के दीर मेरे मन बिच मैया बस जाए असा जगनो बसा के दीर जग रुसदाए तार सुधार असा मानु अपना बनारा जग रुसदाए ते रुसदार असा मानु कोई कुछ कहता है कहता रवे असा अपनी मानु मनाना असा अपनी मानु मनाना असा अपनी मानु मनाना है तेरे नाम बिच रह के मस्त सदा तेरे नाम बिच नचना गाना तेरे नाम बिच रह के मस्त सदा इस दुनिया नू असा दिल तो भुला के इस
दिल बिच मानु बसाना इस दिल बिच मानु बसाना इस दिल बिच मानु बसाना ओ मेरी माँ जगदम्बे मन जाए असा जगनु मना के बिच मैया बस जाए असा जगनु बसा के मेरे मन बिच मैया बस जाए असा जगनु बसा के इस प्रेम का पाना सौखा नहीं जिंद तली से तलवी पैंदी इस प्रेम का पाना सौखा नहीं कुट जैरों ने पीने पैंदे ने गल खबरां दी सैनी पैनी गल खबरां दी सैनी पैनी गल खबरां दी सैनी पैनी ओ ना किस दुनिया तो लेना जेदा मैया ते एतबार होवे ओ ना किस दुनिया तो लेना ओनू किस चीज की कमी नहीं मादे चरना बिच जदा प्यार होवे हो मादे चरना बिच जदा प्यार मादे चरना बिच जदा प्यार है मेरी माँ जगदम्बे मन जाए असा जगनु मना के असा जगनु बसा के गीला मन विच मैया बस जाए असा जगनु बसा के गीला एक माँ को ही अपना मीत बना मेरी माँ जो शेरों वाली है एक माँ को ही अपना मीत बना मेरी माँ जो शेरों की छटा निराली मेरी माँ की छटा निराली घर मिल जाए मैया तुझको तो मुझसे भी मिलवा देना घर मिल जाए मैया तुझको तो मुझसे भी मिलवा देना हो तेरी बात जो हो जाए माँ से मेरी भी बात करा देना मेरी भी बात करा देना मेरी भी बात करा देना मेरी माँ जगदम्बे मन जाए असा जगनु मना के मैया जगनु मना के दीना जगनु मना के दीना जगनु मना के दीना जगनु मना के दीना जय करा मेरे श्रवण में जय सच्चे दरबार की लगाओ हाथ चरणों में जमाने का सताया लगाओ हाथ चरणों में जमाने का सताया लगाओ हाथ चरणों में जमाने का सताया
लगाओ मात चरणों में जमाने का सताया हूँ मैं दिल की दास्तां सारी सुनाने घर पे आया हूँ मैं दिल की दास्तां सारी सुनाने घर पे आया हूँ दिल की दास्तां सारी सुनाने दर पे आया हूँ दिया था जन्म जब तूने खुशी सबने मनाई दिया था जन्म जब तूने खुशी सबने मनाई थी करी हर आरज़ू पूरी दया तेरी पाई करी हर आरज़ू पूरी दया तेरी ही पाई थी यहाँ कोई नहीं अपना मैं मुफलिस बन कर आया हूँ यहाँ कोई नहीं अपना मैं मुफलिस बन के आया हूँ लगाओ मात चरणों में जमाने का सताया हूँ लगाओ मात चरणों में जमाने का सताया हूँ दिल की दास्तां सारी सुनाने दर पे आया हूँ दिल की दास्तां सारी सुनाने दर पे आया हूँ यहाँ अपने वगैरों का थोड़ा दस्तूर देखा यहाँ अपने वगैरों का थोड़ा दस्तूर देखा बिगड़ती में लगा अपनों को ही मजबूर गलती में सदा अपनों को ही मजबूर देखा है संभल के अब नहीं बड़ी गर्दिश में आया हूँ संभलती अब नहीं बिगड़ी बड़ी गर्दिश में आया हूँ मात चरणों में जमाने का सताया हूँ मात चरणों में जमाने का सताया हूँ दिल की दास्तां सारी सुनाने दर पे आया हूँ दिल की दास्तां सारी सुनाने दर पे आया चोरों के बाप की बिछड़ी रखी है सामने तेरे चोरों के पाप की गठरी रखी है सामने मेरे रहम कर आज मुश्किल में हटा उलझन के सब फेरे रहम कर आज मुश्किल में हटा उलझन के सब फेरे मुरादे मांगने में भी सच्चे दरबार आया हूँ मुरादे मांगने में भी सच्चे दरबार आया हूँ लगाओ मात चरणों में जमाने का सताया हूँ लगाओ मात चरणों में जमाने का सताया हूँ दिल की दास्तां सारी सुनाने दर पे आया हूँ दिल की दास्तां सारी सुनाने दर पे आया हूँ लगाओ मात चरणों में जमाने का सताया हूँ लगाओ मात चरणों में जमाने का सताया जयकारा शिरवलिदा सच्चे दरबार की जय गुफा सुहानी बिच भवानी आप बस दी माता मेरे सब दे दिलाने हाल दस दे गुफा सुहानी बिच भवानी गुफा सुहानी बिच भवानी आप बसदी माता
मेरी माता मेरी सब दे दिलाने हालत तेरी पहाड़ां दे सोने नजारे किथे बर्फां ते किथे फुहारे किथे बर्फां ते किथे फुहारे पहाड़ां दे सोने नजारे पहाड़ां दे सोने नजारे किथे बर्फां ते किथे फुहारे किथे बर्फां ते किथे नजारे दिल मोलिया ठंडियां हवावां के उपा सुहानी इच भवानी आप बसरी माता मेरे सब दे दिला दे हाल नसरी उपा सुहानी इच भवानी आप बसरी तेरे पवनियां निक्कियां गलियां तेरे पवन दियां निक्कियां गलियां सोने मंदरां च सोने दियां टल्लियां सोने मंदरां च सोने दियां टल्लियां तेरे पवन दियां निक्कियां गलियां तेरे पवन दियां निक्कियां गलियां सोने मंदरां च सोने दियां टल्लियां सोने मंदरां च सोने दियां टल्लियां ओ तेरे संगता ने कद दियां मलियां ओ तेरे संगता ने कद दियां खलियां तेरे संगता ने कद दियां मलियां तेरे संगता ने कद दियां मलियां तेरे बूहे दली लाल चोला ते लाला नी माला लाल चोला ते लाला नी माला रूप मैया दा सब तो निराला रूप मैया दा सब तो निराला ओ चुनरी जांदे नाल शिंगारी ओ चुनरी जांदे नाल शिंगारी भवानी आप बसरी माता मेरी सब दे दिला दे हाल बसरी जाओ भवानी विच भवानी आप बसरी माता मेरी सब दे दिला दे हाल बसरी ओ पके शेर दी आवाज पई आवे शेर दी आवाज पई आवे मिलने नू दिल ललचावे तेरे मिलने नू दिल ललचावे ओ पके शेर दी आवाज पई आवे ओ पके शेर आवाज पई आवे तेरे मिलने नू दिल ललचावे मिलने नू दिल ललचावे दिल दर्शी दा जद घबरावे दिल दर्शी दा जद घबरावे तेरे पवन दिया फेरिया लावे के उपा सुहानी बिच भवानी आप बसदे माता मेरे
ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੱਸਦੀ ਜੋ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ਿਰਵਲੀ ਅਤਿਤ ਹੈ ਮਰ ਚਿਰ ਰਵਿ ਚੰਦ੍ਰ ਭੰਗੇ ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਗਣ ਸਰਜਤ ਕੁਛ ਵਾਸ ਸੋਲੇ ਰਮੇਰ ਵਜੇ ਸਧਦਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤਿ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰਿ ਵਜੇ ਮਧੇਂਦ ਲੇਖ ਸਚਿਆ ਜੋਤ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕੰਪਾ ਸੀ ਆਪ ਭਕਤ ਜਨੋ ਕੇ ਸਾਇੰਕਾਲ ਕੀ ਆਰਤੀ ਮੇ ਮਾਂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਕਾ ਸੌਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਆਪ ਬੜੇ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੀ ਪੁਣਿਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਇਸ ਆਰਤੀ ਕੀ ਪਰਮਪਵਿੱਤਰ ਵੇਲਾ ਮੇ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੱਜ ਗੁਪਤ ਨਰਾਤਰ ਕੇ ਨੌਵੀਂ ਕੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਕੇ ਚਰਨ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੇ ਕਾ ਪੁਣ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨੇ ਕਾ ਇਸ ਜਗਜਨ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਕਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਕਾ ਆਪ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਸੌਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਹੈ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਭਕਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਔਰ ਭਗਵਤੀ ਕੇ ਚਰਨੋਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਾ ਸੌਭਾਗ੍ਯ ਸਦਾ ਸਰਵਦਾ ਆਪ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਲਾ ਮੇ ਆਪ ਸਭੀ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਆਰਤੀ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੋ ਵੀ ਮਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਬੁਰੀ ਬੁਰੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਵੇ ਸੰਤ ਤੇ ਭਾਣੇ ਭਵੇ ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਸਸਵੇ ਭਵੇ ਪ੍ਰਗਿਆ ਭਾਣੇ ਭਵੇ ਭੂਲ ਭੂਤ ਕਰਣੇ ਦਾਣੇ ਕਣਿਸੋ ਭਵੇ ਤੇਜਸਵੀ ਭਵੇ ਬੈਰ ਦਰਭ ਜਲਣੇ ਵਿਆਪਾਰ ਦਕਸ ਭਵੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਭਰ ਪਾਦ ਪੰਡਤ ਸਰਵੋਪਕਾਰੀ ਭਵੇ ਮੰਤ੍ਰਾਰਥ ਸਫਲਾ ਸੰਤੋ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਸ਼ਤਰੂਣਾਮ ਬੁੱਧਿਨਾ ਸੋਸ ਮਿੱਤਰਾਣਾਮ ਦੇਸ ਸ਼ਰੀਰ ਵਰਚਸ ਆਯੁਸ਼ਮਾਰੋਗਮਾਵਿਦਾਤ ਸ਼ੁਮਾਨ ਮਹੀਯਤੀ ਧਨੰ ਧਾਨੰ ਪਸ਼ੂ ਭਵਪੁੱਤ੍ਰ ਲਾਭੰ ਸਸਮਸਰ ਦੀਰਘਮਾਯੁ ਅਸਤ ਦੀਰਘਮਾਯੁ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਆਪ ਭਕਤੋਂ ਕੀ ਦੀਰਘਾਯੁ ਕਰੇ ਆਪਕੋ ਸੁਖ ਸਮ੍ਰਿਧਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਧਨ ਧਾਨਯ ਸੇ ਸੁਗਣਿਤ ਕਰੇ ਸਭ ਹੋਰ ਸੇ ਆਪਕਾ ਮੰਗਲ ਕਰੇ ਆਪਕੀ ਯਾਤਰਾ ਕੋ ਸਾਰਥਕ ਕਰੇ ਬੋਲੋ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਤਭੀ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਆਰਤੀ ਹੋਗੀ ਆਪ ਸਭੀ ਭਕਤ ਜਨ ਭਕਤੀ ਭਾਵ ਸੇ ਮਾਂ ਕੀ ਆਰਤੀ ਕਰੇਂਗੇ ਸਮਲ ਕਰ ਬੋਲਣਾ ਤਾਲੀ ਜਾਤੇ ਜੀ ਓਮ ਜੈ ਹਰਿ 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 ਹਰਿ
मैया खड़ग खबर दारे देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता
శక్తి రూపేణ సంస్థితా నమస్తస్య 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 నమో నమః నమస్తస్య నమో నమః యా దేవీ సర్వభూతేషు దయారూపేణ సంస్థితా దయారూపేణ సంస్థితా నమస్తస్య 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 నమో నమః నమస్తస్య నమో నమః యా దేవీ సర్వభూతేషు యా దేవీ సర్వభూతేషు శ్రద్ధారూపేణ సంస్థితా శ్రద్ధారూపేణ సంస్థితా నమస్తస్య 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 నమో నమః నమస్తస్య నమో నమః యా దేవీ సర్వభూతేషు యా దేవీ సర్వభూతేషు మాతృరూపేణ సంస్థితా మాతృరూపేణ సంస్థితా నమస్తస్య 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 నమో నమః నమస్తస్య నమో నమః దుర్గా మాత కీ జయ కృష్ణ మాత కీ జయ లక్ష్మీ మాత కీ జయ సరస్వతి మాత కీ జయ परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय प्रेम से बोलो जय माता दी, 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 सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर के मां से प्रार्थना करेंगे, संभल कर बोलना देहि सौभाग्य आरोग्य, देहि सौभाग्य आरोग्य, देहि में परम सुखम, देहि में परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि यशो देहि, यशो देहि यशो देहि, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, दुःखभाग् भवेत्, शान्तिः शान्तिः, कार्यक्रम देखे सुने और मन ही मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। अब परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं, आप सभी आरती गणन लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। अवेश जयवा आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण मैं आठ कर तो सतगरी जो
ಭಗಂ ಚಕ್ರ ಗಣೇಶ ಶೂರಂಗ ಶುಂಡಿಂಚಿರಂಗಲೇಶ ಸರ್ವಾಂಗ ಭೂಷಾಭಿಧಾಂಶ್ವಸ್ತಿಮಾಸಾದಶಕೇ ಹಂತಮೇಶಿಂಗಧರ್ಮಜಲಿಜಾಭಾಜನ ಶೂಲ ಪಾದರ್ಶನೇ ಹಸ್ತೆ ಪ್ರಸನ್ನಾಯೇವರ್ಧನೀ ಮಯಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರೋಜಸ್ಥಿತೂಲಹಲಾಲಿ ಚಕ್ರಂ ಧನುಸಾಯಿಂದರಸ ಚೇತಾಭಾನ್ ಭೋರಿ ದೇಹ ಸಮಂತಾಭೂತಾವಹ ಪೂರ್ವಾ ಮತ್ ಸರಸ್ವತೀ ಮನುಮೇ ಶುಂಭಾಯಿ ತುಮೇವ ಮಾತಾ ತುಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದೇವ ಶಾಂತಾಕಾರಂ ವಿಶ್ವಾಧಾರಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ಕಮಲಮೇಲಂ ಜೋಗಿ ವಿದ್ಯಾನಂದಂ ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಮಹರಂ ಸರ್ವಲೋಕೇಶನಾಥಂ ಕೇಶವಂ ರಾಮನಾರಾಯಣಂ ಶ್ರೀಧರಂ ಮಾಧವಂ ಗೋಪಿಕಾವಲ್ಲಭಂ ಜಾನಕೀ ನಾಯಕಂ ಹರೇ ಮುರಾರೇ ಮಂಜೇ ದ್ವಾರೇ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಪ್ರಾಣಂ ಪ್ರದೇಹಿ ಶರಣಂ ಪ್ರದೇಹಿ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರದೇಹಿ ಗೌರಂಗ ಮೋಕ್ಷೇ ಸತ್ಯ ಜ್ಯೋತ ಬಾಲಿ ಮಾತಾ ತೇರಿ ಸದಾ ಪಂಚಭೂಲ ರಾಣಿ ಮಾತಾ ತೇರಿ ಸದಾ ಚಕ್ರದಾ ಬಲಾ ಚಂದ್ರವಾಲಿ ಮಾತಾ ತೇರಿ ಸದಾ ಸಾರೇ ಸಂಸಾರಿ ಶಾಂತಿ ದೇವ ವಾಲಿ ಮಾತಾ ತೇರಿ ಸದಾ ಬಿಲಾ ಚುಕ ಮಾಪ ಕರ್ನವಾಲಿ ಮಾತಾ ತೇರಿ ಸದಾ ಮಹಾದಿತ್ಯ ನಿವಾಸ ಕರ್ನವಾಲಿ ಮಾತಾ ತೇರಿ ಸದಾ ಕೌಂತಲಾ आशीर्वाद प्राप्त हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। जयकारा शेरावाली दास की जय।